जी हाँ, एक ऐसी जगह जिसे आप हबा कहते हैं। पीपी दी गवर्नमेंट जान वाली है। परवीन की आंखें बहुत अच्छी हैं। ढाबा लफ्ज आया कहाँ से, ये बहस बेकार है। काम की बात यह है कि इस्लामाबाद जैसे महंगे शहर में यह ढाबा नामी जगह रिटायर्ड मुलाजमीन, कसम पुरसी के शिकार शायरों, लिखारियों, थके मजदूरों, स्कूलों कॉलेजों से भागे हुए स्टूडेंट्स की मकीन या कमीन गायें हैं, जहाँ घर के बिजली के बिलों से लेकर बसों के किरायों, आसिफ और आमिर की मैच फिक्सिंग और फिर मुन्ने के पेंपर तक फिर बहस होती है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में ढाबा कल्चर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुतारिक कराया। वो चाइना के दौरे पे गए और वहाँ से ये सौगात पाकिस्तान पहुँची। चाय के साथ परवेज मुशर्रफ और मिनरल वाटर के साथ ब्लैक वाटर की सरगर्मियाँ निशाने पे आई तो कभी स्क्वाश की बदहाली। ढाबा जहां आपको मुर्गियां भी मिलेंगी, लेकिन जिंदा मुर्गियां जो इस ताक में रहती हैं कि इंसान के हाथों से गिरने वाला रिस्क पामाल ना हो और उनके काम आ जाए। फलों के तरफ नजर आएंगे मगर फल तोड़ने पर हाथ तोड़ दिए जाएंगे। आटा है ना बिजली और मीडिया वीना मलिक के पीछे पड़ा है। यार मरी में स्नोफॉल हो रही है कि नहीं, जल्दी आओ यहाँ से शीशा पीने चले। एक छोटा जो कि लाजमी नहीं कि छोटा हो, आपको मन चाहे गिजा मुहैया करेगा। यहाँ बर्गर, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स हर चीज मिलेगी, जबकि अखबार आपको अपने हमरा लाना होगा। गैस नहीं तो लकड़ियाँ, और अगर ये भी नहीं तो गैस सिलेंडर से मदद ली जाएगी, जिसके चार्जेस आपकी चाय या बर्गर ही से पूरे किए जाएंगे। मगर इस्लामाबाद की आलीशान गुजरगाहों के साथ बनी ये बसरगाहें असल में आसरा हैं, उम्मीद हैं। कहा जाता है कि साबिक वजीर शेख रशीद ने रोटरी क्लब का आइडिया इसी ढाबे पर डिस्कस किया था, जबकि पीटीवी के कई ड्रामे यहाँ शूट हुए। साथ ही नदीम से लेकर मोहम्मद अली और फिर शहनशाह गजल मेहदी हसन साहब भी यहाँ रुके और चल दिए। लेकिन बात तो सच है, ये ढाबा है कमाल की चीज़।